नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफ़ी बच्चों के प्रश्न थे, सर EMRS में जो वैकेंसी आपकी आई है विभिन्न एग्ज़ामों के लिए, वार्डन हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, GSA हो गया, इन सब में सभी के एक प्रश्न थे कि क्या अंतिम वर्ष वाले जो ग्रेजुएशन में हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, और भी तमाम प्रश्न जो आपको तंग कर रहे थे, आपके कमेंट जो थे उसको मैं लेकर आया हूं, उन सभी का जवाब दूंगा। और जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके सामने है, टोटल जो है TGT PGT प्रिंसिपल और लैब अटेंडेंट वार्डन आप देख रहे हो, ये देखने को आपको मिली है। EMRS का पहली दफ़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास कि आप इसमें जॉब ले सकते हैं। अब रही बात कि आप तैयारी कहां से करोगे, तो टीम परीक्षा प्लस EMRS के जो बैच हैं वो कंडक्ट करा रही है। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं, अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हो, अंडर एक गाइडेंस प्रॉपर चाहते हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप live.parikshaplus.org, ये आपको दिख रहा होगा, हमारी वेबसाइट है, यहां से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट डालना होगा live.parikshaplus.org, वहां से आप करिएगा, आपको ये इंटरफेस खुलेगा। EMRS की TGT हो गया, हिंदी चल रहा है, TGT में मैथ का सब्जेक्ट चल रहा है, उसके बाद से लैब अटेंडेंट आपका चल रहा है, ठीक है, ये बैच चल रहा है, प्लस GSA का बैच चल रहा है, ठीक है। आप ये देखिए, अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर आप देखोगे, EMRS का वार्डन, लैब अटेंडेंट, GSA, ये सभी TGT इंग्लिश, ये सभी आपके बैचेस चलाए जा रहे हैं। जिनको भी वार्डन में, लैब अटेंडेंट में या किसी भी में बैच में इनरोल्ड करना है, आप इनरोल्ड कर सकते हैं। मात्र 700 जो है हमारे यहां सभी की फीस है। हाँ, कोई बच्चा ऐसा जो तीसरे कॉम्बो लेना चाहता है किसी भी तीन बैचेस का, तो जैसे आपका लैब अटेंडेंट और वार्डन और GSA का, तो वो 1600 में ले सकता है। चलिए, रही बात अब आपकी सवालों के कि एग्जाम कहाँ होगा, रीजनल लैंग्वेज का क्या मतलब है, ठीक है, पोस्टिंग हमें कहाँ मिलेगी, हमारी नियुक्ति कहाँ होगी, इन सभी प्रश्नों का अगर हम बात करें तो आपका जवाब ये है कि जैसे आपका सबसे पहला, सबसे ज्यादा प्रश्न आ रहा है, सर एग्जाम कब होगा आपका, कब होगा एग्जाम। रीजनल लैंग्वेज के आधार पर होगी पोस्टिंग। क्या अंतिम वर्ष वाले फॉर्म भर सकते हैं, पेपर के मीडियम को लेकर काफी बच्चों के सवाल हैं। तो अगर हम बात करें इस पर, तो देखिए पेपर का जो आपके मीडियम होगा, अगर हम यहां पर कहें पेपर का जो मीडियम होगा, पेपर का मीडियम, सभी आपके सवालों के जवाब हैं, पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पूछा जाएगा, ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पूछा जाएगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इंग्लिश और हिंदी दो ही में आपका पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश और हिंदी होगा। अब आपका सेंटर कहां होगा, सेंटर जो होगा एग्जाम का वो आपका स्टेट का कैपिटल होगा, क्या होगा, स्टेट का जो कैपिटल सिटी है वही आपका सेंटर बनेगा, ठीक है। पेपर का निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, निगेटिव मार्किंग है भाई, निगेटिव 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग है। आप लास्ट ईयर में हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे आप ट्वेल्थ में हो, किसी में भी हो, आप जिसकी भी आहर्ता रखते हो, अगर आपका खासकर जैसे वार्डन का, अगर हम वार्डन की बात करें, तो वार्डन में या TGT में या किसी में भी आपका, अगर वार्डन जो अभी आया है, पहले जो आपके PGT आ चुका है उसका नहीं, उसका तो लास्ट डेट आने वाला है, वार्डन के अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके 18 अगस्त तक पूरे हो जाते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स, कितने सभी डॉक्यूमेंट्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी आपका एजुकेशन का डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और आपका कास्ट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट 18 अगस्त से पहले पूरा होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो अंतिम वर्ष वाले, अगर आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट आने वाला है और 18 अगस्त से पहले आ जाता है ग्रेजुएशन का रिजल्ट, तो आप वार्डन का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें बात यह है कि एक रीजनल लैंग्वेज है, तो सर रीजनल लैंग्वेज का मतलब क्या है? रीजनल लैंग्वेज में आपका रोल लगता है। रीजनल लैंग्वेज मतलब जो भी अपना, जैसे मान लो कोई मेघालय मणिपुर में है, अपना रीजनल लैंग्वेज फिल कर रहा है, तो उसकी पोस्टिंग जो होगी ना उसके ही स्टेट में दिया जाएगा जहां पे वो लैंग्वेज यूज किया जाता है। ऐसा नहीं, जैसे एक लैंग्वेज आपका जो 18 लैंग्वेज है, 18 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपके कई स्टेटों में बोली जाती है, जैसे बंगाली है आपकी कई जगह बोली जाती है, तो बंगाली जहां जहां बोली जाती है वहां वहां आपको प्रिफरेंस रहेगा पोस्टिंग की। अगर आप उसके मार्क्स अच्छे आपके आते हैं तो उसके बेसिस पर आपकी पोस्टिंग होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पैन इंडिया कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक प्रिफरेंस दिया जाएगा रीजनल लैंग्वेज में, एक प्रिफरेंस दिया जाएगा आपके पोस्टिंग पर कि कहां पे आपकी पोस्टिंग कराई जाए। मतलब जो इस भी स्टेट आपके रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, ये प्रिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये रीजनल लैंग्वेज का मकसद है, ये ध्यान रखिएगा। आप रीजनल लैंग्वेज में भी इंग्लिश और हिंदी ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं है, आप पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से हो, तो इनमें तो कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं होता है, तो आप यहां पर इंग्लिश या हिंदी अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं। आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है जहां जहां पर ये लैंग्वेज चलते हैं, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज की बात हो गई। अगर हम आपसे कहें कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट क्या होगा, तो अगर एग्जाम डेट मैं कहूं लैब अटेंडेंट की, लैब अटेंडेंट की अगर बच्चे बात कर रहे हैं, बहुत पूछ रहे हैं, ये लैब अटेंडेंट का आप मान के चलो कि सितंबर अक्टूबर, ये आप मान सकते हो इसका एग्जाम डेट लैब अटेंडेंट। अगर हम बात करें जेएससी की तो यही आपका रहेगा सेम, जेएससी की भी एग्जाम डेट आप सितंबर और अक्टूबर मानो। और वार्डन की, अगर वार्डन हो गया, ठीक है, टीजीटी हो गया, इनकी अगर हम बात करें एग्जाम डेट की तो ये आप नवंबर मान सकते हो, ठीक है, नवंबर दिसंबर के आसपास मान सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको ये पूरा वैकेंसी ऑलमोस्ट इतना जान लो कि आपको फरवरी मार्च तक ज्वाइनिंग मिल जाए या इससे पहले भी ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको, आपको विद्यालय मिल जाएगा फरवरी मार्च से पहले पहले, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है, ठीक ठाक पोस्ट भी आए हैं सभी में, टीजीटी हुआ चाहे वार्डन में भी अच्छा खासा पोस्ट है, फीमेल मेल का अलग अलग है, तो आप इसको भर सकते हैं। और मैंने बताया अगर तैयारी आप करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप पूरा क्लासेस को देखने के लिए, कैसे चल रहा है उसका डेमो सब कुछ देखने के लिए, आप प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, वहां आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाइए, विधिवत आप डेमो देखिए, पीडीएफ देखिए, सब कुछ आपको सिलेबस के वाइज कराया जा रहा है, ठीक है। तो और ये प्रश्नों के आपके जवाब मिल गए, और कोई प्रश्न आपका अंतिम वर्ष वाला मैंने बता दिया, एग्जाम क्या होगा, पेपर का मीडियम क्या होगा यह भी मैंने बता दिया कि पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी होगा, कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं होगा, और पेपर आपका सिर्फ सेंटर कहां बनाया जाएगा, आपके स्टेट के कैपिटल सिटी में बनाया जाएगा सेंटर, ठीक है। अब रही बात कुछ बच्चे जो टीजीटी वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, जो टीजीटी वाले में क्या है कि टीजीटी वाले में लैंग्वेज जो है ना, जो लैंग्वेज का पोर्शन है वो सिर्फ क्वालिफाई है, क्या है वो, सिर्फ क्वालिफाई है, वो टीजीटी हुआ या पीजीटी हुआ इन सब में। तो ये क्वालिफाई का मतलब ये हुआ कि आपके लैंग्वेज में टीजीटी पीजीटी वाले में तो सिर्फ दो ही लैंग्वेज दिया है, उसमें रीजनल नहीं आया है। अगर हम टीजीटी की बात करें तो इसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज 18 में से कोई भी, इनमें आपको टोटल मिलाकर, कुछ बच्चे कंफ्यूज है, सभी को मिलाकर 40% मार्क्स लाना है, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, 10 क्वेश्चन इसके, ये टीजीटी की बात कर रहा हूं। तो टोटल 30 क्वेश्चन हुए, 30 का 40% कितना हुआ, 12 क्वेश्चन, ठीक है, है ना, टोटल 12 क्वेश्चन आपको, 30 क्वेश्चन में से आपको 12 क्वेश्चन करने हैं, और इसका मार्क्स आपको मेरिट में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है टीजीटी के लिए है, बाकी सभी के लिए जो नॉन टीचिंग पोस्ट है
उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उनके लिए आपको जितना अच्छा स्कोर कर जाओ इसमें उतना बेटर है, ठीक है, उसमें क्वालिफाइंग नहीं है, उसमें मार्क्स मेरिट में जुड़ेगा। बस टीचिंग पोस्ट के लिए, वो भी टीजीटी में, आपकी ये क्या है, लैंग्वेज पोर्शन क्वालिफाई है, पीजीटी में है, लेकिन पीजीटी में रीजनल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर इसके बाद भी आपके कुछ सवाल हैं, ठीक है, वो जरूर बताइएगा। मैं एक वीडियो आपको आज शाम तक, वार्डन की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, या कल आपको जॉब प्रोफाइल क्या करना होगा ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सैलरी प्रोवाइड करा दूंगा, कि कितनी सैलरी मिलती, मैं प्रोवाइड नहीं कराऊंगा सैलरी, ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी मिलेगी। वर्किंग क्या है आपकी, आप क्या काम करोगे, 24 आवर आपकी वर्किंग रहेगी या एक फिक्स टाइम रहेगा, आपको आवास कहाँ मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं वार्डन के बारे में डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपके कोई प्रश्न हैं अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो जरूर आप पूछिएगा, मैं उस सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आपके जो भी डाउट होंगे समाप्त कर देंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।